भैया सपना पूरा हुआ है। किसका सपना? ट्रेविस हेड का। जी हाँ, अपने वर्ल्ड कप के पहले मैच में ही इन्होंने सेंचुरी मार दी है, लेकिन सबसे बड़ी बात 59 गेंदों में सेंचुरी मारी है। सबसे बड़ी बात कि 2023 के वर्ल्ड कप में सबसे तेज 50 भी मारी है। अपने पहले डेब्यू मैच में यह कारनामा करने वाले ऑस्ट्रेलिया के 5वें खिलाड़ी भी बन गए कि अपने पहले डेब्यू मैच में शतक मारने वाले वर्ल्ड कप में ट्रेविस हेड बन गए हैं 5वें ऑस्ट्रेलियन। लेकिन सबसे बड़ी बात कि 59 गेंदों में शतक पूरा करने वाले अपने पहले डेब्यू मैच में ट्रेविस हेड सबसे ऊपर आ गए। जी हाँ, सबसे कम गेंदों में शतक पूरा कर इन्होंने ये दिखाया है कि हम शांत थे, लेकिन कमबैक जब करते हैं तो बहुत ही खतरनाक करते हैं। ये वही ऑस्ट्रेलिया टीम के ट्रेविस हेड है जिन्होंने 120 गेंदों में डबल सेंचुरी मारी थी और इंडिया के खिलाफ भी इनकी ताबड़तोड़ सेंचुरी आई थी WTC वर्ल्ड कप में। लेकिन सबसे बड़ी बात कि मिचेल मार्श नहीं चल रहे थे ओपनिंग में, लगातार उनसे बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे, वार्नर रन बना रहे थे। फिर आती है ट्रेविस हेड की बारी, उन्होंने 67 गेंदों में 109 रन खेली। लेकिन ट्रेविस हेड 5वें ऐसे बल्लेबाज हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जिन्होंने वर्ल्ड कप में सेंचुरी मारी अपने पहले डेब्यू मैच में। इससे पहले एरॉन फिंच ने मारी थी 2015 में, उनको चांस मिलता है, उन्होंने 128 गेंदों में 135 रन मारे थे। एंड्रू साइमंड, इनको कौन नहीं जानता, इन्होंने 125 गेंदों में 143 रन का विशाल स्कोर बनाया था। हालांकि ये नॉट आउट भी रहे थे। जॉफ मार्श, जो मिचेल मार्श के पिताजी हैं, इन्होंने भी 141 गेंदों में 110 रन बनाए थे। और ट्रेवर चैपल, इन्होंने 131 गेंदों में 110 रन बनाए थे। मतलब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये 5वें बल्लेबाज ट्रेविस हेड बन गए हैं जिन्होंने आज अपने पहले डेब्यू मैच में शतक मारा है। लेकिन ये पारी कोई आसान नहीं रही है। सबसे तेज़ अर्धशतक भी इन्होंने मारा, इसके बाद सबसे तेज़ सेंचुरी भी इन्होंने मारी वर्ल्ड कप में। लेकिन इस सेंचुरी में आए हैं 7 छक्के और 10 चौके। जी हाँ, हालांकि फिर ग्लेन फिलिप्स ने इनकी पारी को विराम कराया, ये फिर आउट हुए, उनको बोल्ड किया। लेकिन अगर आपने इनकी पारी देखी है तो क्या लगता है कि ये मिचेल मार्श की जगह आना इनका ऑस्ट्रेलिया को सबसे ज़्यादा मजबूत किया है ओपनिंग में। हालांकि मिचेल मार्श खेल रहे हैं, जो फर्स्ट डाउन आए थे जिन्हें सैटनर ने बोल्ड किया था, मात्र 51 गेंदों में 36 रन बनाकर बोल्ड हुए। तो क्या लगता है आपको कि ट्रेविस हेड के आने के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम और भी खतरनाक हो गई है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।